गांधी तो देखो, राहुल गांधी उनके सपने में आते हैं स्मृति ईरानी के, तो बेचारी होश में राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। स्मृति ईरानी जिस दिन राहुल गांधी का नाम लेना बंद, उस दिन स्मृति ईरानी का मंत्रालय चला जाए। स्मृति ईरानी तो बेशर्मी है, ये बेशर्मी औरत है, ये औरत के नाम पे कलंक है। जब मंगल सूत्र मोदी बिकवा रहे थे, स्मृति ईरानी के काली पट्टी लग गई, उस गूंगी हो गई, बहरी हो गई, उनको सुनाई ही नहीं दिया कि मोदी जी क्या कह रहे हैं मंगल सूत्र पे। और सबसे बड़ा मंगल सूत्र स्मृति ईरानी ही रखती है, सबसे बड़ा मंगल सूत्र स्मृति ईरानी ही रख के घूमती है। वो स्मृति ईरानी को शर्म नहीं है, स्मृति ईरानी तो महिला के नाम पे कलंक है, वो सच्चाई बोल ही नहीं सकती। अपना कहती हूँ, एक बार नहीं हजार बार मैं कह चुकी हूँ कि प्रधानमंत्री को हमारी सरकार आने दो। प्रधानमंत्री को 5 किलो का छोड़िए, हम लोग 10 किलो राशन देंगे, दाल चावल सब्जी सब कुछ देंगे प्रधानमंत्री को। बस प्रधानमंत्री अब की बार इनको साफ हो जाने दो, इनका जाएंगे कहाँ, बड़ा सवाल ये भी तो है ना, घर परिवार छोड़ के देश हित के लिए तो जाएंगे कहाँ मोदी जी। जो आदमी मोदी जी पहले ही क्लियर कर दिए हैं कि मैं तो फकीर हूँ जी, झोला उठाऊंगा चलता बनूंगा, तो इस आदमी का क्या भरोसा झोला उठा के चलता बनूंगा। अडानी अंबानी के लिए बहुत गुड़ गाते थे, अडानी अंबानी को कितने कितने करोड़ रुपए लुटा दिए। अब अडानी अंबानी जब राहुल जी की तारीफ करने लगे तो एक देश का प्रधानमंत्री पागल हो गया कि ट्रक भर के जा रहा है विपक्ष के पास, ट्रक भर के ट्रक नहीं ऑटो, ऑटो भर के ऑटो ही मान लीजिए, ऑटो भर के जा रहा है विपक्ष के पास। क्यों मोदी जी 10 साल में लूटे हम लोग तो नहीं बौखलाए कि अडानी अंबानी आपको दे रहे हैं, अब क्यों आप पगला रहे हैं कि वो राहुल गांधी की या कांग्रेस की या केजरीवाल की तारीफ कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री खुद डरे हुए हैं, ये खुद डरेंगे क्यों, सत्ता में है प्रधानमंत्री तो डरेंगे क्यों। प्रधानमंत्री की इस समय नींद उड़ गई है, वो बेचारे इतने मजबूर हैं कि अपने दिल की बात तो किसी से कह नहीं सकते, नहीं तो उनको अंदर अंदर ही गर्मी आ जा रही है। वो उनका होश उड़ गया है, वो सपने में भी उनको एक खौफ गांधी परिवार की है, तो ये खौफ उनके लिए बरकरार रहे, हम लोग ऊपर वाले से ही प्रार्थना करते हैं। लेकिन ऐसे प्रधानमंत्री जो अपनी सैलरी भी देश हित में दे रहे हैं, कौन सी सरकारी नौकरी कर रहे थे जो सैलरी देश हित में दे रहे हैं, जो प्रधानमंत्री की सैलरी होती है वो भी देश हित में लगा दे रहे हैं। अडानी अंबानी को पूरा देश लुटवा दिए, कई कई करोड़ रुपए देके, नीरव मोदी को, मेहरुल को देके कई कई करोड़ रुपए, 18,000 करोड़ रुपए, 11,000 रुपए करोड़ देके देश को लुटवा दिए, और वो अपनी सैलरी कौन सी नौकरी कर रहे हैं जो सैलरी दे रहे हैं। प्रधानमंत्री पद पर है तो 40,000 का तो वो मशरूम खाते हैं, 8,000 करोड़ की फ्लाइट में घूमते हैं, और वो अपनी सैलरी देश के लिए दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं प्रधानमंत्री? प्रधानमंत्री को हार जाने दीजिए, अपने आप समझ में आ जाएगा। प्रधानमंत्री जी बोलते थे जो हवाई चप्पल वाले हैं वो हवाई जहाज में उड़ेंगे, कहते थे ना। आज हवाई चप्पल वाले बेचारा वो ट्रेन में भी सफर नहीं कर सकता, हवाई जहाज का तो सपना देखना भूल जाओ। मौका दे, जो फ्लाइट का टिकट था वही ट्रेन का हो गया। गरीब आदमी के मतलब एक हवाई चप्पल भी बेचवा दी है मोदी जी, कितनी बार मौका लेंगे? उन्होंने बोला था हमें 50 दिन का मौका दें, अगर 50 दिन में मैंने अच्छा काम नहीं करके दिखाया, सब कुछ चेंज नहीं कर दिया, तो मुझे चौराहे पे खड़े होकर जूता मारना। आज प्रधानमंत्री कहाँ है, 10 साल हो गया, अब कोई चांस नहीं है उनको मौका देने का। 10 साल कम नहीं होता, 10 साल उनको दे दिया गया। ये झूठा प्रधानमंत्री, इनको झूठ के सिवाय और गांधी परिवार के सिवाय, पाकिस्तान के सिवाय, मुसलमान के सिवाय, हिंदू के सिवाय, मस्जिद के सिवाय, मंदिर के सिवाय प्रधानमंत्री के पास कुछ भी नहीं। कह तो रहे अगर विपक्ष पार्टियां जीत गई तो राम मंदिर का, स्मृति ईरानी कह रही अगर विपक्ष पार्टियां जीत गई तो राम मंदिर पे ताला लगवा देंगे, कोर्ट का भी फैसला बदलवा देंगे। स्मृति ईरानी तो बेशर्मी है, ये बेशर्मी औरत है, ये औरत के नाम पे कलंक है। जब मंगल सूत्र मोदी बिकवा रहे थे, स्मृति ईरानी के काली पट्टी लग गई, उस गूंगी हो गई, बहरी हो गई, उनको सुनाई ही नहीं दिया कि मोदी जी क्या कह रहे हैं मंगल सूत्र पे। और सबसे बड़ा मंगल सूत्र स्मृति ईरानी ही रखती है, सबसे बड़ा मंगल सूत्र स्मृति ईरानी ही रख के घूमती है। वो स्मृति ईरानी को शर्म नहीं है, स्मृति ईरानी तो महिला के नाम पे कलंक है, वो सच्चाई बोल ही नहीं सकती। अपना जनता चुनी है, जनता यही चुनी है कि मंगल सूत्र नरेंद्र मोदी मंगल सूत्र बिकवा दें और स्मृति ईरानी सवाल जवाब ना करें। बहन बेटी का रेप हो जाए, 3 बजे रात को जला दिया जाए, स्मृति ईरानी सवाल जवाब ना करें। पहलवान बेटियों को सीने पे पैर रख के पुलिस वाले कई किलोमीटर तक घसेटे, स्मृति ईरानी सवाल गांधी के लिए तो बोलती है ना लगातार, राहुल गांधी के लिए तो बोलती है। राहुल गांधी तो देखो, राहुल गांधी उनके सपने में आते हैं स्मृति ईरानी के, तो बेचारी होश में राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी राहुल गांधी। स्मृति ईरानी जिस दिन राहुल गांधी का नाम लेना बंद, उस दिन स्मृति ईरानी का मंत्रालय चला जाए। तो नहीं, राहुल गांधी डर गए भाई, डर के भाग गए यहाँ से रायबरेली। राहुल गांधी का खानदान ऐसा है कि जिन्होंने देश की आज़ादी में जो अंग्रेजों से नहीं डरे, तो ये भाजपा वालों की क्या औकात है। नरेंद्र मोदी जी जैसे प्रधानमंत्री ना कितने आए, ना जाने कितने गए। कह तो रहे पहले अमेठी से हारे थे, अब अमेठी से गए हैं, अब तो रायबरेली भी हार जाएंगे, दोनों हार जाएंगे अपने। स्मृति ईरानी बोल रही है, स्मृति ईरानी को अभी अपना टेंशन होना चाहिए कि रायबरेली वाले इनको खुद
हरा के भेज रहे हैं, ये टेंशन ना करें। स्मृति ईरानी तो अमेठी से लड़ रही है ना चुनाव। अमेठी से पहले स्मृति ईरानी अपने अपनी कुर्सी बचाएं, वो राहुल गांधी का टेंशन करना छोड़ दें। राहुल गांधी दोनों जगह से जीत रहे हैं और ये स्मृति ईरानी के सामने आएगा कि राहुल गांधी दोनों जगह से जीत रहे हैं। भाई काम इतने किए हैं हमारी पार्टी ने तो हम तो जीत जाएंगे, यूं ही जीत जाएंगे। देखो स्मृति ईरानी जैसे नौटंकी करते थे फिल्मों में, जैसे धारावाहिक बनाते थे नौटंकी ड्रामेबाजी, तो वैसे राजनीति में भी आके स्मृति ईरानी वही ड्रामेबाजी वही नौटंकी। हाँ। नहीं तो एक से एक हमारे कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी भी प्रधानमंत्री रहे हैं, कांग्रेस के राजीव गांधी रहे हैं, आपके इंदिरा गांधी रही हैं, लाल बहादुर शास्त्री रहे हैं, ये एक से एक प्रधानमंत्री देश ने दिया। लेकिन ऐसा घटिया प्रधानमंत्री कि जिनके शब्दों में कोई दम नहीं, बस लक्ष्यदार भाषण, झूठ, एक बार मुंह खोलें तो एक करोड़ झूठ। कितने तो काम किए हैं, क्या काम किए हैं, मैं आप ही पूछ रही हूँ क्या काम किए हैं बताओ। 5 किलो अनाज दे रहे हैं, शौचालय बनवा रहे हैं। क्या बोला कि 5 किलो अगर कांग्रेस स्कूल नहीं बनाती तो उसी शौचालय में वोट डालने जाते क्या आप? शौचालय में ही वोट डालते। अगर कहीं नरेंद्र मोदी बनाए हैं कुछ सरकारी स्कूल, सरकारी प्रॉपर्टी बनाए हैं तो आप बताइए। गूगल पे सर्च करें ना, गूगल पे सब मिलेगा, वो सब मिलेगा फेकू। अगर गूगल के पूछा जाए गूगल से कि सबसे इस देश का सबसे झूठा प्रधानमंत्री कौन, तो फटाफट नरेंद्र मोदी जी आ जाते हैं कि सबसे बड़ा झूठा इस देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। एक चीज और देखिए आप, कोरोना का, जब कोरोना का टीका शुरू हुआ था तो प्रधानमंत्री जी पूरा फोटो लग गई थी प्रधानमंत्री जी का। हाँ। कि प्रधानमंत्री जी टीका इतने जल्दी कोरोना का टीका वो कर दिए। जब टीके से हार्ट अटैक से लोग मरने लग गए। हाँ। तो प्रधानमंत्री जी अपना फोटो हटा दिए। ऐसे प्रधानमंत्री को क्या बोला जाए, आचार संहिता के चलते फोटो हटाया गया। नौटंकीबाज आदमी बस स्टैंड पे उनका फोटो लगा है, रेलवे स्टेशन पे उनका फोटो लगा है, गलियों में उनका फोटो लगा है, शमशान में उनका फोटो लगा है कि अब की बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो भगवान करे नरेंद्र मोदी जाए, हम लोग तो ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहे हैं कि जाओ आप। शमशान की दीवार भी नहीं छोड़ी गई है, ये देखो ना। हाँ। कि शमशान की दीवार नहीं छोड़ी गई है, शमशान की दीवार पे लिखा हुआ है कि अब की बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। तो जाओ भैया शमशान में जाओ, क्या तुम ही लोग लिख रहे हो? भाजपा के ही लोग लिख रहे हैं शमशान में कि अब की बार नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। अरे शर्म करो, पब्लिक को इतना भी गुमराह मत करो, पब्लिक को इतना भी परेशान मत करो कि एक समय ऐसा है कि भाजपा को कोई नाम लेने वाला ना रहे और यही आएगा। अब भाजपा का अंत चल रहा है क्योंकि सबको तो कह रही भाई महंगाई चाहे कितनी भी हो जाए, पेट्रोल 2000 का हो जाए, फिर भी हम वोट तो मोदी जी को नहीं कह रही है। अभी मैं जनता बुलाती हूँ, अभी आपके सामने जनता बताएगी कि जनता कह रही है 2000 पार करो, या जनता इंतजार कर रही है कोई भाजपा का गलियों में आ जाए वोट मांगने फिर उसकी स्वागत करते हैं। जनता इंतजार कर रही है और अभी मैं बुलाती हूँ से जो भाजपा के प्रत्याशी है तो उनको वोट नहीं जाएगा। अब देख लेना ना आप। हाँ। आप देखना जनता इंतजार कर रही है कि आ जाओ। 1200 का सिलेंडर बिकवा दिए, 200 किलो आपका तेल बिकवा दिए, आटा 35 रुपए किलो बिकवा दिए। वैक्सीन तो मोदी जी ने भी लगवाई थी ना, आपने देखा था फोटो दिखा था एक बड़ा ड्रामेबाज आदमी, झूठा आदमी, वो सिर्फ टच करवा के फोटो खिंचवा लिए। हाँ, हम लोग नहीं मानते कि प्रधानमंत्री टीका लगवाए। वो नौटंकीबाज आदमी पूरे देश को बर्बाद करने के लिए खुद दिखा के सबको मरवा दिया कि आए दिन लोग हार्ट अटैक। मतलब भरोसा नहीं है प्रधानमंत्री, नहीं पता, नहीं भरोसा है प्रधानमंत्री का। अगर आपकी आ गए तो ना जाने क्या क्या होगा इस देश में, वो तो ऊपर वाला ही। क्या लग रहा है 24 में सत्ता परिवर्तन तय है? 100% तय है। हाँ, गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री गठबंधन का होगा।